दोनों टीम के लिए थोड़ा चीयर अप करेंगे, ताली बजा के चीयर अप करेंगे, कम ऑन एनर्जी ले। पहला गेम का इंतजार करते हुए देखिए क्या होता है। पल्लव तैयार, पहले गेम ओ वेल लेफ्ट वाइट बॉल, पहला बॉल वाइट से शुरू, एक रन बिना कोई विकेट गवाए, दूसरा घुमा दिया था, जोरदार अपील, काफी अच्छा बॉलिंग यहाँ पे। अभी ताड़म प्यार के पास रिव्यू मांगा है, देखते हैं रिव्यू में क्या होता है। पैर अंदर था और ये नॉट आउट, रन की कोई गुंजाइश नहीं, एक बॉल एक रन। पल्लव थोड़ा सा उनको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, दोनों ही चश्मा पहन के खेल रहे हैं, दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, बॉल को देखना पड़ेगा। तीसरा गेंद नहीं, दूसरा गेंद, दूसरा गेम, ओ खतरनाक हो सकता है। अरे वाओ, यहाँ पे एक विकेट का जबरदस्त झटका लगा है नियोन को, पहले ओवर में पहला विकेट, सुंदर फील्डिंग का नजारा दिखाते हुए कीपर मूसा जो है, जो उनके काफी जोरदार बैट्समैन है, धुआंधार खेलते हैं, लेकिन आज उनका धुआं पहले से उड़ गया है, पहले से ही आउट हो चुके हैं, संभाल के खेलना पड़ेगा। नितिन के लिए चेयर ऑफ, उछाल दिया, आते हैं, खतरनाक हो सकता था और एक विकेट जा सकता था, कैच था लेकिन अटेम्प्ट नहीं किए फील्डर, क्या ये नो बॉल, और यहां पे नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, नो है, काफी मुश्किल में है नियोन की टीम, रन भी नहीं आए हैं। पल्लव तैयार, कुछ करना पड़ेगा, पल्लव और नितिन के ऊपर सारा जिम्मेदारी है टीम नियोन का, और देखते हैं क्या वो भरोसा को भरोसे पे खड़े हो पाते हैं। ये सेमीफाइनल का मैच है, काफी अच्छा बॉल है, और यहाँ पे दूसरा विकेट गिरते हुए एक ओवर में दो विकेट गवा चुके हैं, काफी मुश्किलों में फंस चुके हैं नियोन। देखते हैं नितिन भाई क्या करते हैं, उनकी उनकी जिम्मेदारी सब कुछ है, उनकी कंधों पे सब कुछ सारी जिम्मेदारी है, देखते हैं कैसे करते हैं। और धोनी, धोनी की तरह खेलते हैं ये, देखते हैं धोनी जैसा इनिंग्स खेल पाएंगे कि नहीं। आज पहले ओवर में दो विकेट जा चुका है, काफी अच्छा बॉलिंग यहाँ पे जेसन के द्वारा, इसके लिए ही जाने जाते हैं जॉन, नया बैट्समैन जॉन टी, काफी अच्छा अटैकिंग प्लेयर है, लेकिन यहां पे अच्छा बॉलिंग, एक भी छक्का नहीं हुआ है अभी तक, बाउंड्रीज नहीं हुआ है, काफी समझदारी के साथ एक रन चुरा लिए और ये जरूरी है। अभी लास्ट बॉल उछाल दिया है और भी, और ये पे तीसरा विकेट, ये जेसन का काफी अच्छा बॉलिंग, सेमीफाइनल में पहला ओवर में ही तीन विकेट, ताश के पत्ते की तरह गिरते जा रहे हैं नियोन, पूरा विकेट विकेट विकेट, पहले ओवर में तीन विकेट, काफी अच्छा बॉलिंग। जेसन जो कि काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और अपना एक्सपीरियंस उन्होंने दिखाया और पहले ओवर में ही तीन विकेट इन्होंने चटका दिए, तीन रन और तीन विकेट पहले ही ओवर में, जिसके लिए जाने जाते हैं जेसन, वही काम कर दिए अपने टीम के लिए। और प्रिंस दूसरा बॉलर, टॉप ऑर्डर को पूरा नियोन का, और ये नेक्स्ट ओवर काफी संभल के खेलते हुए, काफी अच्छा बॉलिंग ब्लेसर के द्वारा, यहां पे नो का इशारा और ये खतरा हो सकता है, और यहां पे चौथा विकेट गिरा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, थोड़ा संभलने के लिए देख रहे हैं फिर भी विकेट गिर रहा है, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, अब कंप्लीट डोमिनेशन दिख रहा है यहां पे ग्रेट टीम के द्वारा, क्राइस्ट यूनाइटेड ग्रे, नियोन की कैप्टन निमेश आ चुके हैं, देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, एक बड़ी इनिंग्स की जरूरत है उनकी बल्ले से, अगले गेम के लिए तैयार, दो ओवर में चार विकेट, अगला गेंद उछाल दिया है छह रन के लिए, और ये पहला बाउंड्री फोर रन, पहला बाउंड्री टीम नियोन के लिए,
वो रन जोड़ते हुए काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं ये, कोई मौका नहीं, उनके कंधों पे सारा जिम्मेदारी है और यहाँ पे वही करते हुए संभल के भी खेल रहे हैं और लूज गेंद को बाउंड्री के उधर भी पहुंचा रहे हैं और यहाँ पे नो का इशारा अंपायर नहीं है, पूछ रहे और यहाँ पे लीगल बॉल है, नो नहीं है, एक सिंगल से संतोष होना पड़ेगा टीम नियोन के लिए। निमेश ने घुमा दिया है एक रन के लिए, सुंदर रन, काफी अच्छा सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए। अपने इनिंग्स को संभालना पड़ेगा दोनों बैट्समैन को, अगर अच्छे स्कोर को खड़ा करना है तो पूरे टीम को संभालना पड़ेगा। ये लास्ट बॉल है आई थिंक, चार बॉल, ओके लास्ट टू बॉल, नो बॉल, नो बॉल और यहां पे सिक्स। जबरदस्त ओवर साबित होते जा रहा है ये ओवर, अच्छा काट, थोड़ा बहुत रन जोड़ते हुए अपने टीम को, अपने इनिंग्स का इनिंग्स को संभालते हुए अच्छा खेल रहे ब्रदर जॉन्टी। और ब्लेसन का नेक्स्ट बॉल और यहां पे वाइट बॉल का इशारा, एक रन चुरा लिए, दो रन के लिए वाइट प्लस वन, यहां पे दो रन। और यहाँ पे हमारे कमेंटेटर बॉक्स पे हम स्वागत करेंगे, करें हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे जो कमेंटेटर है करण, वो अपने एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे सूझबूझ हुए काफी समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए गेंद, लूज बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं रन के लिए, विकेट बचाते हुए स्कोर दो ओवर की समाप्ति पर, दो ओवर समाप्त नहीं हुआ अभी तक, अच्छा एक बॉल बाकी है। काफी अच्छी गेंद और सुंदर, काफी अच्छा बॉल, बैटिंग का मुजारा देखने के लिए मिल रहा है दोनों ही खिलाड़ी। दो ओवर खत्म हुआ, 20 रन, 20 रन दो ओवर पे, काफी विकेट गिर चुका है, चार विकेट, दो ओवर 20 रन टीम नियोन। नेक्स्ट ओवर लेके आ रहे पास्टर रॉकी, काफी एक्सपीरियंस बॉलर है, नेक्स्ट ओवर थर्ड ओवर और यहां पे काफी अच्छा अटेम्प्ट किए थे ब्रदर बिनॉय ने, लेकिन वो सफलता नहीं मिला, कैच छूट गया। अगर यहां पे एक विकेट मिल जाता तो शायद यहां पे रन आउट का, यहां पे नो बॉल के साथ एक रन दौड़ लिए तो टीम में दो रन का इजाफा, एक ही बॉल हुआ है। उछाल दिया है और यहां पे एक रन और, सुंदर बेस्ट बैटिंग, निमेश अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, सिंगल देते हुए स्ट्राइक रेट रोटेट कर रहे हैं निमेश, और जो उनका मेन बैट्समैन है उनको वो बैटिंग ज्यादा बॉल खेलने के लिए मौके दे रहे हैं। और यहां पे और एक एक्स्ट्रा, ऐसे ही स्कोर का इजाफा हो रहा है, पहले ओवर पे जो काफी अच्छा बॉलिंग यहां पे पास्टर रॉकी के द्वारा, उतना ही अच्छा फील्डिंग ब्रदर बिनॉय के द्वारा, और तीन बॉल, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं, काफी अच्छा बॉलिंग और यहां पे और एक विकेट गिरते हुए टीम नियोन के, काफी प्रेशर पे है टीम नियोन, पहले ही ओवर से जो विकेट चटकाए थे ब्रदर जेसन ने उससे अभी तक उभर नहीं पाए टीम नियोन और हर एक ओवर में अपना विकेट गिरा रहे हैं। तीन विकेट उनके सेकंड ओवर में, फिर एक और पास्टर रॉकी के एक। इस ओवर की अगली गेंद, नए बैट्समैन तैयार,
रितेश है नए बैट्समैन, रितेश आए हैं नए बैट्समैन, रवि रवि रवि, देखते हैं रवि और निमेश के बीच एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है अभी। एक सेकेंड रवि रविंद्र, एक सेकेंड थोड़ा पॉज करेंगे। नहीं है, नहीं है इधर, नहीं डाले नहीं, उमेश डाले नहीं, ये दूसरे टीम के हैं, ऐड कर दो, ऐड कर दो। हाँ निमेश अभी तीन गेंद पे तीन रन बना के खेल रहे हैं, 100 की स्ट्राइक रेट पे है। रविंद्र जो नए बैट्समैन टीम नियोन के और से, अभी देखना पड़ेगा कितना और रन जोड़ सकते हैं अपने टीम के लिए। और यहां पे और एक विकेट गिरते हुए, काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है अभी तक। बोल्ड, व्हाट अ बॉलिंग, कितना कितना रन हुआ, रन कितना हुआ, 24 रन 6 विकेट, लास्ट विकेट है, लास्ट बॉल, 24 रन 6 विकेट। बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम, और प्रेशर बढ़ता हुआ ओवर की समाप्ति। बॉस को बॉय के हाथ में बॉल, ओके, बॉस को सोच रहे कि क्या करे अब। जॉयसन जो है नेक्स्ट बैट्समैन आए हैं, जॉयसन रन तीन ओवर की समाप्ति के बाद 24, यस हाँ 24 रन तीन ओवर के समाप्ति में और 6 विकेट गिर चुके हैं अभी तक, वो इनिंग्स नहीं देखने के लिए मिला। और यहां पे सही शॉट एंड ये फोर, और एक बाउंड्री कप्तान निमेश के द्वारा, जो जाने जाते हैं ऐसे ही चक्के चौके मारने के लिए। स्कोर 28 रन, 28 रन यहां पे, और बॉस्को के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ 29 रन स्कोर, और एक शॉट खींचते हुए और ये और सिक्स। निमेश इसी के लिए जाने जाते हैं और ये मिस फील्ड बाउंड्री लाइन में 6 रन के लिए 35 रन यहां पे अपने टीम को संभालते हुए। नियोन नियोन को काफी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और एक शॉट और यहां पे विकेट गिरता हुआ, काफी अच्छा कोशिश किए थे निमेश और यहां पे अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन अपने टीम के लिए जो उन्होंने किया है वो काबिले तारीफ रहेगा। अपने कंधों पे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्या बात है क्या बात, अपना स्कोर को, अपने टीम का स्कोर को बढ़ाया, जो चाहिए था वो उन्होंने किए हैं। नेक्स्ट बॉल, बैट्समैन प्रेम आए हैं, प्रेम से वो रन करते हैं और यहां पे एक रन ऐसे ही ले लिए। और नितिन भाई बैटिंग में ये सोचते हुए कि कौन सा शॉट मारे, नितिन नहीं है, एंड नो बॉल का इशारा, क्योंकि कीपर जो है स्टंप से पहले बॉल को पकड़ लिए और ऐसा रूल है कि अगर बॉल स्टंप से पहले पकड़ लेते हैं तो वो नो बॉल कहा जाता है, इलीगल हो जाता है, वो लीगल डिलीवरी नहीं होता है। और यहां और पे विकेट लेते हुए फेस पे और एक विकेट का पतन, इसी के साथ ऑल आउट होके, ऑल आउट नियोन बॉस्को बॉय एकदम सही गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट चिपकाते हुए। और टीम नियोन ने स्कोर 37 रन टोटल स्कोर और टारगेट है 38 रन, टारगेट 38, टीम का स्कोर है नियोन का 37। सेमीफाइनल में कोई भी स्कोर छोटा नहीं होता है क्योंकि प्रेशर का गेम रहता है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे विकेट गिरे थे नियोन के वैसे हो सकता है टीम ग्रे का भी गिर सकता है, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच है तो कुछ भी हो सकता है। काफी अच्छा, और ऋषभ भाई सोचते हुए, क्योंकि मैं हम लोगों ने देखे हैं लीग मैचेस में टीम नियोन का गेंदबाजी काफी अच्छा रहा है, वो लोग
कम स्कोर ही देते हैं और जो स्कोर अभी स्कोरबोर्ड पे लगाए हैं 38 टारगेट। और स्ट्रेटेजी बनाते हुए टीम नियोन काफी समझ के खेलना पड़ेगा क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। इसके बाद 38 टू विन फ्रॉम फोर ओवर्स इज गोइंग टू बी एन एपिक एनकाउंटर। चार ओवर में टीम ग्रे को 38 रन बनाना पड़ेगा अगर इस सेमीफाइनल के मुकाबले को जीतने के लिए। 38 टू विन और पहला ओवर नितिन काफी जाने जाते हैं, बहुत ही इकोनॉमी बॉलर है, कम रन देने में जाने जाते हैं और विकेट भी जुड़ते हैं। और सामने जो बैट्समैन है स्ट्राइक पे क्राइस्टनटेड ग्रे में इस सीजन के काफी महंगे प्लेयर हैं और उनका नाम शुकान जो काफी अच्छे हिट करने के लिए जाने जाते हैं, अच्छे बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। और नॉन स्ट्राइक पे पास्टर रॉक की साझेदारी निभाते हुए और पहले और चक्का, काफी अच्छा शॉट जिसके लिए जाने जाते हैं। वही काम करते हुए ब्रदर शुकान अपना गेम दिखाने आए हैं। और दूसरे गेंद और यहां पे एक रन, दो गेंद 7 रन और बॉलर पे प्रेशर बढ़ते हुए सेमीफाइनल का मुकाबला ये है। काफी अच्छा सूझबूझ से बैटिंग करते हुए पास्टर रॉकी ऐसे ही प्रेशर को हैंडल करते हैं। तीन गेंद 8 रन और यहां पे फिर से एक सिंगल। आगे बढ़ते हुए शुकान काफी बेखौफ खेलते हैं। शुकान काफी अच्छे सूझबूझ से बैटिंग करते हुए पास्टर रॉकी वो मार सकते हैं हिट लेकिन स्ट्राइक अपना टीम का स्कोर बढ़ाते हुए सिंगल से काफी अच्छा शॉट और यहां पे पहला विकेट शुकान। काफी बड़ा विकेट यहां पे। अगर टीम नियोन को जीतना होगा तो ऐसे ही विकेट लेना पड़ेगा। पहला ही विकेट टीम ग्रे ने 8 रन पे गवा दिए हैं। तीन बॉल हुआ है अभी ओवर पहले ओवर का समाप्ति के बाद। रन उसके पास लाइव रहेगा, मेरे पास ये नहीं है, अपडेट नहीं हुआ। कितना 8 रन। एक सेकेंड थोड़ा बोलिए ना। आठ रन पहले ओवर पे 8 रन का। एक सेकेंड अंपायर थोड़ा। और शेल्डन भाई नॉन स्ट्राइक में आके एकदम प्रेशर में। पहले ओवर और 10 रन और वो बंदूक की इशारा करते हुए नेक्स्ट बैट्समैन जो है ब्रदर शेल्डन, ये भी किसी से कम नहीं। शेल्डन जो लीग मैचेस में काफी अच्छे बैटिंग का काफी अच्छा बैटिंग किए थे। पहला विकेट गिर गया है। टीम नियोन को ऐसे ही विकेट लेना पड़ेगा अगर प्रेशर बनाए रखने के लिए। और यहां पे लूज बॉल दिए थे निमेश, मिसफील्ड हुआ था लेकिन उस मिसफील्ड का कुछ फायदा नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि देखा गया है कि अगर मिसफील्ड पे अगर दूसरा रन लेने जाते तो काफी चांसेस रहता है कि विकेट गिर सकता है। और नेक्स्ट गेम नेक्स्ट और यहां पे छक्का शेल्डन, ब्रदर शेल्डन इसी के लिए जाने जाते हैं।
छक्के चौके के लिए टीम नियॉन को कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक विकेट चाहिए उन लोगों को गेम में वापसी के लिए। ओ काफी अच्छा बॉलिंग और यहां पे एक रन, 1D है, एक रन नहीं, आउट नहीं है, एक रन। ये रन आउट नहीं होंगे क्योंकि वहां पे अगर बॉल जाएगा तो टीम में एक रन का इजाफा होगा। 18 रन ना अपडेटेड है स्कोर। एक ओवर 3 बॉल और 18 रन स्कोरबोर्ड पे। और यहां पे मिस जजमेंट के ब्रदर नितिन कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि यहां पे विकेट गिर गया था तो काफी रनआउट का चांसेस था लेकिन यहां पे मिस हुआ। 19 रन, एक विकेट, एक ओवर 4 बॉल और 2 गेंद बाकी है। काफी सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए यहां पे अच्छा बॉलिंग का मुजारा ब्रदर निमेश के द्वारा। नाइस शॉट, यहां पे उतना ही अच्छा फील्डिंग, नो बॉल यहां पे, इसी से बचना होगा। ये गलती कर बैठे यहां पे निमेश, अच्छा बॉलिंग देते लेकिन यहां पे उन्होंने डाल दिए नो बॉल। वाइट बॉल का इशारा यहां पे और यहां पे और एक कैच हो सकता था लेकिन प्रेम भाई बोले जाने दीजिए। स्कोर हुआ है 23 रन और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 पे 15 चाहिए। ये सेमीफाइनल का मैच है, कुछ भी हो सकता है। अभी भी गेम हाथ पे है टीम नियॉन के और यहां पे नो बॉल का इशारा, स्टेप नो। ये गलती नहीं करना है टीम नियॉन क्योंकि आपके खाते पे स्कोर ज्यादा नहीं है और अगर आप ऐसा गलती करेंगे तो फिर पल्लव आपको संभल के बॉलिंग करना पड़ेगा। और ये काफी संभल के बॉलिंग करते हुए डॉट बॉल, काफी अच्छा बॉलिंग, 11 बॉल पे 24 रन चाहिए, 14 चाहिए और यहां पे 14 रन चाहिए था और इसी के साथ 10 रन अभी चाहिए 10 गेंदों में। ए सिक्स नहीं है, ये बाउंड्री है। और ऐसे बॉलिंग सही कर रहे हैं लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हो पाया बैट और बॉल का। 9 गेंदों पे 9 रन चाहिए, बहुत ही टाइट है सिचुएशन। और यहां पे वही गलती कर बैठे पल्लव फिर से, नो बॉल जो कि काफी नुकसान है उनके टीम के लिए। 9 के साथ और एक सिंगल भी ले लिए, इसी के साथ 9 गेंदों में 7 रन की चाहिए जरूरत। और यहां पे स्कोर लेवल हो गया, 1 ही रन चाहिए टीम ग्रे को फाइनल में आने के लिए। ऑलमोस्ट, और ये विनिंग रन मारते हुए लेकिन और एक ओवर को देखना पड़ेगा। लास्ट स्कोर लेवल है, एक बॉल बाकी है।
यहाँ पे और एक विकेट का पतन, हमको और एक गेंद के लिए इंतजार करना पड़ेगा विनर के लिए, कौन सेमीफाइनल पे आ रहा है। ऑलमोस्ट स्कोर लेवल हो गया है, एक्स्ट्रास भी जा सकते हैं, लेकिन टीम नियॉन वो एक्स्ट्रा देना नहीं चाहेंगे। ब्रदर शेल्डन काफी अच्छा बैटिंग करते हुए, ब्रदर बिनॉय नॉन स्ट्राइक पे, फिनिशिंग टच देंगे पास्टर रॉकी जो कैप्टन है, और यहां पे वो विजेता मिल गया हमको, टीम ग्रे कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी अच्छा बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब कुछ आपने दिखाया कि चैंपियन टीम कौन होता है, विनर टीम कौन होता है, सभी सभी क्षेत्र में आपने डोमिनेट किया आज। लेकिन टीम नियॉन आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे क्योंकि आपने भी काफी अच्छा बैटिंग बॉलिंग किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज आपको उस मुकाम पर ले जो सेमीफाइनल में चाहिए था उस लेवल का आज प्रदर्शन नहीं हो पाया उनसे, लेकिन काफी अच्छा